नमस्कार दोस्तों कंट्रोल सिस्टम लेक्चर सीरीज में आप सबका बहुत स्वागत है इस वीडियो में दोस्तों प्रोपोर्शनल कंट्रोलर्स के बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले यहाँ ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं आर ऑफ एस आपका रेफरेंस इनपुट है समिंग पॉइंट में चला गया समिंग पॉइंट के बाहर आपका एरर सिग्नल है एरर सिग्नल जैसा कि लास्ट वीडियो में बताया था कंट्रोलर्स का हमेशा इनपुट बनेगा कंट्रोलर्स का ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ सी से हम रिप्रेजेंट करेंगे जो भी हम इसी वीडियो में निकालेंगे उसको यहाँ लिख देंगे वो उसका ट्रांसफर फंक्शन होगा और कंट्रोलर्स का जो आउटपुट है उसे हम एक्चुएटिंग सिग्नल कहेंगे इसके बाद दोस्तों ये आपका प्लांट है प्लांट में आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन लिखा होता है हमने यहाँ पे एज्यूम किया है कि हम टाइप वन सेकंड ऑर्डर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शंस पे एनालिसिस करना चाहते हैं जिसमें ओमेगा एन स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एस इंटू एस प्लस टू जीटा ओमेगा एन है ये आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सेकेंड ऑर्डर है ये आपका आउटपुट है दोस्तों और ये आपका जो फीडबैक नेटवर्क है उसका ट्रांसफर फंक्शन वन है इसीलिए हम इसको यूनिटी गेन यूनिटी फीडबैक ट्रांसफर फंक्शन भी बोलते हैं अब दोस्तों बात करते हैं डेफिनेशन की डेफिनेशन क्या है यहाँ जहां नाम से आपको क्लियर है प्रोपोर्शनल कंट्रोलर यानी जो कंट्रोलर है मान लीजिए इसका जो आउटपुट है वो ए ऑफ टी है इसको बोलते हैं एक्चुएटिंग सिग्नल सो एज पर दी डेफिनेशन ऑफ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर द आउटपुट ऑफ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनपुट सिग्नल इनपुट सिग्नल आपका एरर सिग्नल है दैट इज ई ऑफ टी इसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लीजिए दोनों साइड यहाँ बन जाएगा आपका ए ऑफ एस प्रोपोर्शनल टू कैपिटल ई ऑफ एस अगर प्रोपोर्शनल साइन आप हटाएंगे तो आपको प्रोपोर्शनल कॉन्सटेंट यहाँ लिखना पड़ेगा वो बन जाएगा आपका ए ऑफ एस इज़ इक्वल टू के पी के पी इज़ योर प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई विद ई ऑफ एस और दोस्तों यहाँ पे मैं आउटपुट इन एस डोमेन अपॉन इनपुट इन एस डोमेन लिखना चाहता हूँ तो ये बन जाएगा मेरा ए ऑफ एस डिवाइडेड बाई ई ऑफ एस एंड देट इज़ इक्वल टू के पी तो दोस्तों यहाँ आपकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये मैथेमेटिकल एक्सप्रेशन हमने निकाला है अब बात करते हैं ट्रांसफर फंक्शंस की कि प्रोपोर्शनल कंट्रोलर जो है उसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा ट्रांसफर फंक्शन आपको पता है कि आउटपुट इन एस डोमेन दैट इज़ ए ऑफ एस divided by इनपुट इन एस डोमेन that is ई ऑफ एस विद नो इनिशियल कंडीशन आपका क्या है के पी इसका मतलब जो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर है उसका जो ट्रांसफर फंक्शन है दोस्तों वो आपका सिर्फ एक कॉन्स्टेंट होगा दैट इज के पी तो यहां पे सिर्फ मैं अपना के पी लिखूंगा तो इस तरीके से ये कंट्रोलर आपका इन कैस्केड विद प्लांट्स के साथ होगा और ये आपका ब्लॉक डायग्राम बनेगा अब पॉइंट की बात करते हैं कि जो कंट्रोलर है इसका एनालिसिस कैसा करेंगे तो एनालिसिस के मैंने दो केसेस यहाँ लिए हैं एक है आपका विदाउट कंट्रोलर और दूसरा है आपका विद कंट्रोलर विदाउट कंट्रोलर्स का मतलब आप सबसे पहले ये चेक करें कि इस ब्लॉक डायग्राम्स में ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ये बनेगा ये आपका कैस्केड में दोनों के दोनों बोस बॉक्स जो है वो कैस्केड में कनेक्टेड हैं और कैस्केड में अगर ट्रांसफर फंक्शन था वो सिंपली मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो आपका जो ट्रांसफर फंक्शन है अगर आप विदाउट कंट्रोलर यूज करेंगे तो डेफिनेटली ये बॉक्स आपका ऑबसेट रहेगा और आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन बनेगा ओमेगा एन स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एस इन टू एस प्लस टू जीटा ओमेगा एन अब दोस्तों यहाँ पे साफ साफ दिखता है कि जो ये ट्रांसफर फंक्शन है ये टाइप वन ट्रांसफर फंक्शन है और टाइप वन ट्रांसफ़र फंक्शंस के लिए डेफिनेटली हम वेलोसिटी एरर कॉन्स्टेंट निकालते हैं उसी से हमारा स्टडी स्टेट एरर निकलेगा और वो वैल्यू होती है लिमिट एस टेंस टू जीरो एस मल्टीप्लाई विद जी ऑफ एस जी ऑफ एस आपका ऊपर गिवन है जब आप इसमें एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एस से एस कैंसिल हो जाएगा और जब एस को जीरो पुट करेंगे दोस्तों तो डेफिनेटली आपको मिलेगा ओमेगा एन स्क्वेयर डिवाइडेड बाय टू जीटा ओमेगा एन इसके बाद ओमेगा एन से ओमेगा एन स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा ये आपका बनेगा ओमेगा एन डिवाइडेड बाय टू जीटा अस से दिस इज योर के वी अब दोस्तों केवी आ चुका है आपको पता है कि जो आपका स्टडी स्टेट एरर है दैट इज़ ई डबल एस वो आपका वन अपॉन के वी होता है और इसका मतलब जो स्टडी स्टेट एरर है वो इसका जस्ट रेसिप्रोकल वैल्यू होगा दैट इज़ टू जीटा डिवाइडेड बाई ओमेगा एन तो ये आपका स्टडी स्टेट एरर होगा और यहाँ पे एक छोटी सी एजम्पशंस हम ले लेते हैं ये तो हमने स्टडी स्टेट एरर्स लिखा है यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इस पर मैं नेचुरल फ्रीक्वेंसीज भी निकाल लूँ तो अगर यहाँ पे कंट्रोलर नहीं है तो डेफिनेटली ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होगा इसका जो करेक्टरस्टिक्स इक्वेशन है लेटर से क्यू ऑफ एस लिख देते हैं वो क्या होगा दिस डिनोमिनेटर प्लस नोमिनेटर्स वो आपका किसी भी ओपन लूप से क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का डिनोमिनेटर बन जाता है सो दिस इज इक्वल टू एस स्क्वेयर प्लस तो तो दोस्तों यहां से से मान लेते हैं A is equal to जीटा ओमेगा एन। यहां से अगर मैं जीटा तो मेरा बन जाएगा n. इन दो रिलेशंस को यहां से ध्यान रखें हमने क्या किया है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन पे भी एनालिसिस किया है और क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शंस के करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन पे भी एनालिसिस किया है अब दोस्तों बात करते हैं विद कंट्रोलर्स विद कंट्रोलर्स का मतलब के पी अब इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा और उससे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आपका जो बनेगा उसको लिख लेते हैं दैट इज के पी ओमेगा एन स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एस इंटू एस प्लस टू जीटा ओमेगा एन तो अभी भी आपका सिस्टम का जो टाइप है वो बिल्कुल वन है तो दोस्तों वन टाइप के लिए कोई फाइनाइट एरर अगर निकल सकता है तो डेफिनेटली हमारा वेलोसिटी एरर कांस्टेंट से ही एरर निकलेगा तो अब की बार आप वेलोसिटी एरर कांस्टेंट निकाल लें दैट इज लिमिट एस टेंस टू जीरो एस इंटू जी सी मल्टीप्लाई विद कैपिटल जी जी सी आपका क्या है कंट्रोलर्स का ट्रांसफर फंक्शन और जी आपका क्या है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन तो दोस्तों इसके बाद यहाँ क्या मिलेगा दिस इज के पी मल्टीप्लाई विद ओमेगा एन स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एस इन टू एस प्लस टू जीटा ओमेगा एन ये और इसको हम क्या करेंगे दैट इज़ लिमिट एस टेंस टू ज़ीरो तो दोस्तों जब यहाँ पर लिमिट को हम एस टेंस टू जीरो पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर आपका पूरा ज़ीरो हो जाएगा फाइनाइट वैल्यू अपॉन ज़ीरो दैट इज इन्फिनिटी तो जो के वी है वो आपका इन्फिनिटी हो जाएगा और दोस्तों जो के वी है अगर आप स्टडी स्टेट एरर निकालना चाहते हैं तो यकीनन आपका फार्मूला बनेगा वन अपॉन के वी इट मीन्स वन अपॉन जीरो तो दोस्तों जो स्टडी स्टेट एरर है उसकी वैल्यू बन जाएगी चीज उसकी वैल्यू आपकी के वी आपका इन्फिनिटी है सॉरी यहाँ पे इंफिनिटी पुट होगा तो वन अपॉन इन्फिनिटी आपका ज़ीरो बन जाएगा तो यानी जो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर है उसकी हेल्प से आपने जो स्टडी स्टेट एरर टू जीटा अपॉन ओमेगा एन थी वो आपने यहाँ पे जीरो बना दी है अब दोस्तों बात करते हैं जीटा पे तो जीटा के लिए क्या करेंगे ये आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शंस है अगर मैं इसको क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शंस में कन्वर्ट करूँ और उसका करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस अगर मैं लिखूं तो वो कैसे लिखेंगे वो दोस्तों आपका ये बन जाएगा अस से क्यू ऑफ एस दैट इज इक्वल टू ये आपका बन जाएगा करेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन दैट इज एस स्क्वेयर प्लस ये आपका बन जाएगा टू जीटा ओमेगा एन एस प्लस ये बन जाएगा के पी इन टू ओमेगा एन स्क्वेयर राइट एंड दैट बिकम्स इक्वल टू ज़ीरो तो ये आपका अलग है मिक्स ना होने दें तो दोस्तों यहाँ पे ये आपकी करैक्ट्रिस्टिक्स इक्वेशन बनेगी ये कैसे बनेगी देख लीजिए इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे ये ओवरऑल ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन बनेगा इसको आप यूनिटी फीडबैक uh, दे रखा है तो जी एस अपॉन वन प्लस जी एस तो जब क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्ट करोगे तो क्लोज लूप टोपोलॉजी का फार्मूला लगाओगे उसके बाद जो डिनोमिनेटर होगा वो एग्जैक्टली exactly आपका ये वैल्यू आएगा तो इसकी हेल्प से यहाँ जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपको मिली नेचुरल फ्रीक्वेंसी वो आपकी मिली दोस्तों ये जो फैक्टर होता है इसका स्क्वेयर रूट कर देते हैं तो ये मिलेगा आपको के पी अंडर द रूट ओमेगा ए राइट और जो आपको नया जीटा मिलेगा डैम्पिंग रेशियो विद कंट्रोलर्स तो वो क्या है दोस्तों वो बन जाएगा आपका ए अपॉन टू इन टू नेचुरल फ्रीक्वेंसीज तो दोस्तों ए मान लीजिए आपका एज इट इज है एंड दिस इज टू ओमेगा एन ओमेगा एन नेचुरल फ्रीक्वेंसी विदाउट कंट्रोलर थी अब नेचुरल फ्रीक्वेंसी विद कंट्रोलर अंडर द रूट के पी इंटू ओमेगा एन है तो अंडर द रूट के पी इंटू ओमेगा एन है तो यहां से ये आपका डैम्पिंग फैक्टर आ चुका है और ये आपका एरर आ चुका है तो ये तो बहुत अच्छा रिजल्ट है एरर आपका जीरो हो चुका है लेकिन अब ये देखिए दोस्तों अगर मैं एनालिसिस करता हूँ दोनों में मान लीजिए मैं के पी की वैल्यू को इंक्रीज कर देता हूँ जो प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट है तो डेफिनेटली मेरा जीटा डैस क्या होगा जीटा डैस की वैल्यू मेरी कम हो जाएगी और अगर दोस्तों आपका डैम्पिंग फैक्टर कम हो गया तो इसका मतलब क्या होगा डैम्पिंग फोर्स कम होगा और इसका मतलब आपका जो पीक ओवरशूट्स है वो आपका बढ़ जाएगा यानी जो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर है एक पॉइंट पे कहता है कि वो एर स्टडी स्टेट एरर को जीरो बना देगा लेकिन इसी के साथ ये स्टेबिलिटी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करेगा तो जो स्टेबिलिटी है आपकी केपी इंक्रीज होने से आपका जो डैम्पिंग फैक्टर होगा वो रिड्यूस होगा जिससे आपका पीक ओवरसूट्स इंक्रीज होगा और इसके इंक्रीज होने से आपकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी तो इसीलिए दोस्तों हम कभी भी प्रोपोर्शनल कंट्रोलर को सिंगल uh, uh, जो स्ट्रक्चर है इंडिविजुअल कंट्रोलर्स की तरह कभी भी यूज़ नहीं करते एक चीज़ और है दोस्तों यहाँ पे हर प्रोपोर्शनल कंट्रोलर्स में मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन आपकी मिली कि आपको स्टडी स्टेट एरर ज़ीरो मिलता है लेकिन जैसे ही इन द बिगिनिंग हम काम करना स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली हर प्रोपोर्शनल कंट्रोलर जो होता है उसमें ऑफसेट एरर ज़रूर रहता है और ऑफसेट एरर का मतलब ये होता है कि स्टार्टिंग में आपका जो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर है वो बहुत स्लो होता है स्लगिश होता है थोड़े टाइम के बाद आपको अच्छी स्पीड से रिस्पॉन्स देना स्टार्ट करता है सो दिस इज द इन डिटेल कंप्लीट एनालिसिस ऑफ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम इंटीगल कंट्रोलर्स के बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो